आजकल लोग दुनिया भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हवाई जहाज का माइलेज कितना होता है, 1 लीटर में कितना एवरेज देता है, आखिरकार इतना भारी और बड़ा जहाज 1 किलोमीटर चलने में कितना ईंधन का इस्तेमाल करता है। हम सब जानते हैं कि अधिकतर बाइक या कार 1 लीटर में 20 से 60 किलोमीटर का माइलेज देता है, लेकिन जितना बड़ा वाहन होता है उसकी ईंधन की खपत उतनी ही ज़्यादा होती है। अब ऐसे में बोइंग 747 हवाई जहाज की बात करें तो ये विमान प्रति सेकंड में लगभग 4 लीटर ईंधन खर्च करता है, यानी 1 मिनट की यात्रा के दौरान 240 लीटर ईंधन खर्च कर देता है। विमान 1 किलोमीटर में लगभग 12 लीटर ईंधन का इस्तेमाल करता है। मतलब साफ है कि 1 लीटर में ये विमान 0.8 किलोमीटर चलता है और बोइंग 747 की औसत स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तो दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों,